तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमनासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवू भैया, मैं माँ के दर पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तिमनासा की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूँ। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगी। विवान, देवू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। माँ, विवान क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा, फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना? अब उस बच्ची को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मैं तो देवू भैया की बात कर रहा था, वो आपके असली बेटे नहीं हैं, फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है, यशोदा मैया ने भी श्री कृष्णा को ऐसे ही पाला था। लेकिन जब देवू भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनकी असली माँ नहीं है, तब देवू जब अपनी इस माँ के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रोक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी। हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा। बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल की टुकड़ी टुकड़ी करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है। और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे दो माएं, दो बहनें और दो परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, मेरा बेटा, मेरा बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ एक प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं, इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिमनासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? नहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूँ तो? सर्वकाल उस गुफा में है, और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूँ तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर, जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो ताकि तिमनासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिमनासा के उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। टिम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। So that's it is then. अब मैं इस गेम को और तिमनासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2, 1 रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना। तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि ये तिमनासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिमनासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा? ये तो सर्वकाल की एनर्जी है। ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? काल लोक के टेंपल में काल लोक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो टिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकेंड हैंड बेड लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवे, आपके पास सेकेंड हैंड लोग हैं, तो मेरे पास भी टीम शैडो है। तुझसे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिमनासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिमनासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए। और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति है, जिसके बिना तुम तिमनासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस ही इज राइट विवान। अगर हमने तिमनासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक तुरंत का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहाँ एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले हैं क्या भैरानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विवान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विवान हो या तिमनासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले कि टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जाग जा, चल। अच्छे तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान, इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में 3 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन दोष के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विवान। बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिमनासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? अरे भैरानी का पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल एक पहर का समय है। एक पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्रव्यूह खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिमनासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड कर। घंटे हैं विवान सर्वकाल की शक्ति लेने के लिए। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिमनासा, ये अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे भैरानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिमनासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ। शाबाश विवान। सेम पिंच विवान, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने भी ये नकाबपोश का रूप लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिमनासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शाडू भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान के सर पर 2-2 माँओं का आशीर्वाद हो, उसे तिमनासा मार तो क्या छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम। सबकी बेस्ट विशेष तो मिल गई मुझे, लेकिन अब एक और जगह से ब्लेसिंग लेनी बाकी है। वाह दादाजी, कितना मस्त गेम है कैरम। जिसने भी बनाया उसको थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है ना तो भारत देश को कहो, क्योंकि कैरम की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अच्छा दादाजी, खेलिए, आपकी बारी है। बेटा, मैं जानता हूँ मेरी बारी है, लेकिन क्या तुम जानती हो 1935 के आने तक भारत, श्रीलंका और कई एशियाई देशों में कैरम के टूर्नामेंट्स भी चालू हो गए थे। खुशी बेटा, 1956 में इंडियन कैरम एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, वो भी चेन्नई में। तब उसे मद्रास कहा जाता था। इन अ नटशेल, कैरम जो है विदेशी गेम नहीं, देशी खेल है, समझी? व्हाट्सएप खुशी दीदी। अरे विवान कैरम खेलोगे? दीदी मैं तो यहाँ आपको कैरम की हिस्ट्री से बचाने आया। ओह थैंक यू दादाजी आशीर्वाद। अरे इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है? लेकिन विवान तुम जानते हो दादाजी आप तो मुझसे बड़े हैं तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ना। वैसे दादाजी क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसका वेट पूरी दुनिया करती है बट वो चीज कभी आती ही नहीं? बताइए बताइए। हर गए? बोलो। आंसर है टुमारो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। स्मार्ट। लीजिए गर्मा गर्म पोहा। विवान तेरे लिए भी लेकर आऊं क्या? मम्मी हमेशा कामयाब बने। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ तो उसी के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे घर में ही रोक लूं, कहीं ना जाने दूं। मम्मी ऐसा तो आपको हमेशा लगता है। मम्मी प्लीज आप जाने दो ना। एंड डोंट वरी आपके आशीर्वाद से मैं ये मैच जरूर जीतूंगा। ठीक है जा। थैंक यू। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले। आके कर लूंगा। तो बड़े माँ फिक्र नॉट विवान, मैं यहाँ सब संभालूंगा, समझे कि नहीं समझे? हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनेस यहाँ नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिरकर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहाँ से जाते हैं। ठीक है। विवान दोस्त तुम्हें कुछ मिला? नहीं दोस्त इस भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा। आप क्या करेंगी? ये तो तिमनासा के फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हमारे विलेन यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट कहाँ जा रहे हैं? इस मुद्दे में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिमनासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गो। दोस्त यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बैठ। हाँ पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बिल्कुल, लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहां से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी दो द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान, थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूँ और अनन्या तुम तिमनासा को रोको। तुम्हें तिमनासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े। इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं। अनन्या, गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए, रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तलवार। इनो कोई बात नहीं विवान। टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम तीन हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। दोस्त, मुझे लगता है मैं मस्ती बेरी को बुला लेना चाहिए। चिंता मत करो विवान, मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत मेरी। तुम्हें ध्रुव तारे पर जाकर सिर्फ इतना पता करना है कि वो नकाब पोष वहां क्या करने गया है और उसका मकसद क्या है। मम्मी ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया कि किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं? मैं क्यों नॉक करूं? मुझे तो अंदर आना ही नहीं था, मैं तो सीधा जा रहा था। वो पैर स्लिप हो गया इसलिए दरवाजे पे गिरा और दरवाजा खुल गया। देखा मेहमान, मैं इसलिए तुम्हें ध्रुव तारे पर जाने से रोक रही थी। 5 बज चुके हैं, इसका मतलब विवान स्कूल से आ चुका होगा। मुझे उसे जाके बता देना चाहिए कि नकाबपोश आज रात को ध्रुव तारे पे जा रहा है और कि ये बात तिमनासा को पता चल चुकी है। अनन्या दी, क्या आपको फ्री की पार्टी चाहिए? फ्री की पार्टी? आई नो, फ्री की पार्टी तो हर किसी को पसंद होती है। What do you want, चिंटू? दी, आप मुझे पढ़ाई में हेल्प कर दो ताकि मैं कल क्लास टेस्ट में फर्स्ट आ सकूं। एक ही दिन में पढ़ाई करके ये लड़का आइंस्टाइन बनना चाहता है। सोच क्या रहे हो दी, प्लीज पढ़ा दो ना, नहीं तो फ्री की पार्टी वो विवान को मिल जाएगी, आपको नहीं। चिंटू अभी मुझे कहीं जाना है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद आके पढ़ा दूं, ओके? नॉट ओके अनन्या। अरे जिंदगी में पहली बार तो मेरे चिंटू ने खुद से पढ़ाई की इच्छा जाहिर की है और तुम मेरे इस मासूम से बच्चे का दिल तोड़ दोगी। अनन्या पढ़ा दो ना इसे। एंड वैसे भी दी 2 घंटे बाद तो मेरा बेड टाइम हो जाएगा, प्लीज पढ़ा दो ना। ओफो, अब विवान को मैसेज कैसे भेजूंगी? अरे वाह शुक्ला, तुम्हारे पास बड़े गजब गजब के खिलौने हैं। होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। एक तो मुझे शुक्ला मत बुलाया करो मिश्रा। आई हैव अ प्रोफेशनल नेम, डिटेक्टिव गरमचंद, जासूस गरमचंद। कोई भी केस हो, कोई भी मिस्ट्री हो, उसको मैं यू चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ। गेट द पॉइंट? सच में? अच्छा एक बार बताओ, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी ना? इंटरेस्टिंग भी है और डेंजरस भी। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या यार, चश्मा है और क्या? अरे ये चश्मा नहीं है, ये एक डिगी स्पेक है और इसके अंदर ये यहाँ पे एक छोटी सी मेमोरी चिप भी लगी है जिसमें की बुक्स, वीडियोस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ स्टोर किया जा सकते हैं और ये सारा स्टोरेज मटेरियल चश्मे के अंदर से स्क्रीन पर दिखाई देता है, 100% विजिबल। गेट द पॉइंट? अरे वाह यार, तो देखने में तो बिल्कुल आम चश्मे जैसा लगता है ये। अरे दुनिया वालों के लिए ये कॉमन चश्मा है लेकिन ये टेक्नोलॉजी से अपडेटेड चश्मा इंटरनेट और वाईफाई से भी कनेक्ट होता है। एक्चुअल में ये मिनी स्मार्टफोन है और इतना ही नहीं, अभी तो बहुत से कमाल बाकी हैं। ये देख, ये घड़ी। ये चश्मा नहीं, क्लास टेस्ट में फर्स्ट आने का शॉर्टकट है। ये डिजी स्पेक मुझे किसी भी तरह हासिल करना पड़ेगा। चिंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, वो अनन्या दीदी ने 5 मिनट का ब्रेक दिया है। अरे अनन्या, तू यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, अब मैं कल के टेस्ट के लिए रेडी हूँ। तुम चुप रहो चिंटू, सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की है तुमने। अनन्या, इसे 1 घंटा और पढ़ा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। अरे आंटी, चिंटू इतना स्मार्ट है, उसने 30 मिनट में सारी पढ़ाई कर ली। अनन्या, पहली बात तो आंटी मत बोलो, दीदी बोलो। और दूसरी बात, अगर ये टेस्ट में फेल हो गया तो मोहल्ले की आंटियों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चलो तुम। अरे मम्मी, मैं पढ़ चुका हूँ। अरे चलो, अरे मम्मी, 1 घंटा पढ़ाई करना है। अनन्या चलो, इसे पढ़ा दो। अनन्या चलो भी, बहाने बहाने बहाने। चलो। अरे मम्मी, चलो चिंटू। पर मम्मी। अनन्या चलो। पर आंटी, अब 1 घंटे के पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ना जाने नकाबपोश के साथ क्या करने वाली है तिमनासा ध्रुव तारे पर। वाह वाह बहू, आज क्या मस्त खाना बनाया है। खाना या जहर? आज खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्च नहीं डाल दी करुणा जी ने? नहीं, मुझे तो खाना बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा है। लगता है लंदन का फीका खाना खा के अब अंकल की टंग नाजुक हो गई है। हैव सम वाटर। मैं देता हूं ना। आई एम श्योर दनीशा आंटी को मिर्च नहीं लग रही होगी, है ना? ये दोनों इतने दिनों से हमारे घर में खाना खा रहे थे, वो भी फ्री का। तो आज 1 किलो मिर्च भी खिला दी फ्री में। मैजिक से हमारे घर में आके इतनी चालबाजी कर रहे हैं, तो हम भी इनके मुंह में मिर्ची डाल ही सकते हैं। वेल डन विवान। वैसे भी ये दोनों अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। बस एक बार मुझे ध्रुव तारे पर छुपे शक्ति का राज पता चल जाए, फिर तिमनासा का गेम ओवर हो जाएगा। वाह बहू, आज का खाना तो बहुत ही मजेदार था। रियली दादाजी, बहुत ही टेस्टी खाना था। आई होप हमारे गेस्ट को भी मजा आ रहा हो खाना खाके। बिल्कुल। आप लोग आराम से खाओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। आराम से खाइए। ये लो गर्मा गर्म रोटियां। अरे ये क्या, उन तीनों का खाना हो भी गया और तुम्हारी प्लेट अभी तक भरी हुई है। खा नहीं रहे हो? खाओ ना। अब अबे, तुम क्या पानी से ही पेट भर लोगे? खाना नहीं खाओगे? बस भर गया मेरा पेट। अब वो क्या है ना माँ, ये दोनों लंदन के एटिकेट से खाना खा रहे हैं और इसलिए धीरे धीरे आराम से चबा कर खा रहे हैं, है ना तनिषा जी? अच्छा देवू, तुम ध्यान रखना, कुछ चाहिए तो। हाँ, मैं आती। अरे मम्मी, वैसे मम्मी मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आज मेरे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। अच्छा, क्या नाम है उसका? रिंकू। और पता है, उसकी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट है और 12 साल पहले वो भारत नगर में ही प्रैक्टिस करती थी, तो शायद आप उन्हें जानती होंगी। मैं कैसे जान सकती हूँ विवान, रिंकू और उसकी मॉम को? क्योंकि रिंकू कह रहा था भारत नगर के सारे बच्चों की डिलीवरी उसकी मॉम ने ही करवाई है, तो मुझे लगा कि शायद आप भी जानती होंगी उन्हें। एनीवेज, मैं कभी रिंकू को बुलाऊंगा आपसे मिलने के लिए। मेरे पास कहाँ टाइम होता है विवान किसी से मिलने का। लेकिन मम्मी मैं आज ही मिलने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, संडे को मिल लेना। ओके मैं जरा आता हूँ। ये बेबू बार बार घड़ी क्यों देख रहा है? कहीं तिमनासा को डाउट तो नहीं हो गया? क्या सोच रही है ये? ये लो, ये सॉल्व करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, अब तो डब्बू को ही फोन करके बताना पड़ेगा ताकि वो विवान को इन्फॉर्म कर दे कि तिमनासा को पता चल चुका है कि नकाबपोश ध्रुव तारे पर जाने वाला है। करुणा जी, हम बेडरूम में ही खाना खा लेते हैं। हाँ ठीक है। अब क्या करने वाली हो तुम तिमनासा? हेलो। हाँ हेलो, किससे बात करनी है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो क्या तुमने अपनी मम्मी या दादाजी को बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? ये ब्लैंक कॉल किसका था ये मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगी। करो। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी ब्लैंक कॉल होने वाली है तिमनासा, क्योंकि ध्रुव तारे पर आज मैं उस बात का पता लगाने वाला हूँ जिससे तुम्हारी लाइफ की आखिरी घंटी बच जाएगी। अब मैं उस लेडी को ये पुष्प अमर देकर उस छुपी शक्ति के बारे में जान लेता हूं। हेलो लेडी, आपकी दी हुई पहेली को सुलझाकर मैं पुष्प अमर ले आया हूं। ये लीजिए पुष्प अमर। अब तो आप मुझ पर विश्वास कर सकती है ना कि मेरा एक ही गोल है, तिमनासा का खात्मा। तो क्या आप मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में बताएंगी जिससे मैं तिमनासा का अंतिम और निर्णायक युद्ध में टोटल सफाया कर सकूं? हाँ मैं तैयार हूं तुम्हें छुपी शक्ति का राज बताने के लिए। विवान, 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 विवान। मैं हूँ सॉरी अनन्या दीदी। बट अनन्या दीदी अब इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये फ्लैश लाइट मारकर आप मेरे चेहरे पे क्या ढूंढ रही थी? अरे दरवाजा खटकाने और खिड़की पीटने पे भी तुम नहीं जाग रहे तो और क्या करती? अब सुनो, नकाबपोश ध्रुव तारे पे अकेला गया है और तिमनासा को इस बारे में पता चल चुका है। सो शू टिम्मी आंटी दोस्त पर अटैक कर सकती है। तो बताइए कौन सी है वो छुपी शक्ति? कहाँ है वो? इस कहानी का आरंभ कई वर्षों पहले हुआ था, जब इस काल लोक का नाम श्वेत लोक हुआ करता था। एक शांत और ऐश्वर्य से भरा हुआ राज्य, और इस श्वेत लोक की मैं महारानी हुआ करती थी। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने कई साधु संतों को यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे रखी थी। उनमें से एक साधु सर्वकाल था, जो काले जादू में निपुण था। सर्वकाल ने तिमनासा को अपनी शरण में ले लिया और काला जादू सिखाया, लेकिन एक दिन धोखा देकर तिमनासा ने सर्वकाल को अपना कैदी बना दिया। और हर एक श्वेत लोक के साधु को मारने लगी। उनमें से एक साधु ने तिमनासा को श्राप दिया कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा सर्वकाल की मदद से तिमनासा का वध करेगा। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं अपने पति के साथ राजमहल से भाग निकली और रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तिमनासा को इस बात का पता चल गया और उसने मेरी आंखों के सामने बच्चे को मार दिया और मुझे कैदी बना दिया। लेकिन नियति में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। तिमनासा को ये नहीं पता चल पाया कि हमारी असली संतान को मेरे पति ने धरती पर छुपा दिया था। और जिस बच्चे को उसने मारा था वो एक अनाथ बच्चा था, जिसकी परवरिश हम कर रहे थे। मतलब आप कहना चाहती हैं कि आपका बेटा अभी भी पृथ्वी लोक पर सुरक्षित है? हाँ। और वही है छुपी शक्ति। जिसके हाथों से तिमनासा के पाप भरे जीवन का अंत होगा। तो बताइए पृथ्वी लोक पर आपने उस छुपी शक्ति को कहां पर छुपाया है? काल कोठरी में डालने के बाद तिमनासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। चाहकर भी नहीं सोच पाती हूँ कि मेरे पति ने हमारे बच्चे को धरती पर कहां छुपा के रखा। मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे तुरंत जाकर भैरानी को ये बात बतानी होगी। क्या तुम ढूंढ सकते हो मेरे बच्चे को? हाँ। लेकिन तुम जो भी हो, आई होप तुम्हें उड़ना आता होगा, क्योंकि अब यहां से बचकर जाने का एक ही रास्ता है। हवा दिखती नहीं है पर महसूस जरूर होती है। उसी तरह भले ही तुम नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। आई कैन फील यू। अगर इस इनविजिबल एनिमी को देखने के लिए मैंने बालवीर वाली पावर्स यूज की तो मेरी असलियत सामने आ सकती है। क्या करूं? मेरी नन्ही उंगली की कसम, ये तो वो है बड़ा बालवीर। कहीं तिमनासा का भेजा हुआ कोई प्राणी तो यहाँ अदृश्य रूप में नहीं आ गया है। जो भी हो, मुझे अपनी आइडेंटिटी उससे छुपानी होगी। यही मौका है। भैरानी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं नकाबपोश की असलियत के साथ साथ बालवीर का सर भी लेकर आऊंगा। विवान, यहाँ कहीं इसने मेरा चेहरा तो नहीं देख लिया? जबदाली, जबदाली कहाँ हो तुम? जबदाली कुछ बोलो, कहाँ हो तुम? जबदाली, क्या हो रहा है वहां? मूर्ख जबदाली अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। जरूर उसे नकाबपोश ने पकड़ लिया होगा। जबदाली, भैरानी को जवाब देने के लिए मुझे अपनी दूरवाणी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।